वृश्चिक राशि वालों जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप किसी को भी नाराज मत रखना, हमारी आपसे यही विनती है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, ऐसा चमत्कार आपकी जिंदगी में पहली बार होगा जो कि वृश्चिक राशि वालों खजाने और पैसे से आपका पूरा घर भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ ये दो काम आपको अपने जीवन काल में करनी है, फिर देखिए आपका भाग्य उदय अपने आप होने लगेगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रह्मांड के दो बड़े देवताओं का चमत्कार सीधा सीधा अब आपके घर पर और आपके जीवन काल पर पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, किस्मत वाले हैं आप, जो कि दोस्तों जो बड़े देवता है उनका आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो रहे हैं। आप में जरूर कुछ न कुछ खास बात है, आखिरकार सभी राशियों को छोड़कर केवल आपकी ही राशि पर इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। पिछले जन्म में आप जरूर कुछ न कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, तभी तो दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा योग बना जो कि दोस्तों यह आपके पिछले किए गए अच्छे पुण्य का फल है, जो कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ और धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी छप्पड़ फाड़ के बारिश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जानकर आपको यकीनन विश्वास नहीं होगा, परंतु दोस्तों यही सत्य है, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में एक ऐसा धनियों का निर्माण हुआ है जो कि दोस्तों आप सीधे सीधे करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। यूं कहें तो अब आप राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह 5 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों रास्ता दिखाना, उद्देश्य देना हमारा काम है, लेकिन दोस्तों उन रास्तों पर चलना और रास्ते में आए बाधाएं मुश्किलों का डटकर सामना करना वो आपका काम है। आप हार मान लेंगे या डटकर उनसे सामना करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, एक बात हम आप सभी को बता दें, पर यह बात आपको अपने जीवन काल में हमेशा याद रखनी है कि जब आप सफलता के राहों पर निकल पड़ोगे, आप मंजिल की ओर निकल पड़ोगे, उस समय आपके रास्ते में आपको गिराने के लिए, पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और आपको कई सारे ऐसे मुश्किलों का जो है बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, और सबसे पहले भगवान ईश्वर आएंगे आपके रास्ते में बाधा डालने के लिए, और वो यह देखने के लिए आएंगे कि आप इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी सफलता के लायक हैं भी या नहीं। क्योंकि दोस्तों भगवान बहुत परखने के बाद इंसान को सफलता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बता सकता, जो बात हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब आप सफलता की राहों पर निकल पड़ेंगे तो आपको परेशान करने के लिए, पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, क्योंकि उस समय भगवान आपकी इम्तिहान ले रहे हैं और उस समय आपको अपने भगवान को निरंतर याद करते रहना है और कंटिन्यू अपने राहों पर चलते रहना है। बस आप जो है सफलता मिलने की देरी है, फिर देखिए वही लोग आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही प्रकृति का नियम है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यह समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किस तरह से इन सभी अवसरों का लाभ उठानी है, कौन कौन से कार्य अभी आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, सब कुछ A to Z विस्तार से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखनी है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और भगवान कुबेर महाराज जी के जो भी सच्चे भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वे अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय हो कुबेर महाराज अवश्य लिखिएगा।
इससे आपके जीवन में दोनों की कृपा सदैव बनी रहेगी, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, यह समय बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए समय उत्तम रहने वाला है। उन्हें परिवार के लोगों का पूरा पूरा साथ मिलेगा, जिन्हें उन्हें काफी ज्यादा प्रसन्न महसूस होगी और आप परिवार के किसी धार्मिक आयोजन का भी आयोजन कर सकते हैं। ईश्वर भक्ति पूजा पाठ में अधिक से अधिक मन लगाएं, इससे आपको जो है मानसिक शांति मिलेगी और नेगेटिव ऊर्जा आपके मन से और आपके घर से दूर हो जाएंगी। इसके उपरांत आपको अपने किसी सगे संबंधियों से आज कोई समस्या हो सकती है, जिनको लेकर आप अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से भी बातचीत कर सकती हैं। आपको जो है एक लक्ष्य बनाकर काम करना होगा, तभी आप अपने कामों में जो है सफलता प्राप्त कर पाएंगी। इसके उपरांत यह समय आपको अपनी वाणी की सौम्यता आपको बनाए रखना होगा, इसी से आपको मान सम्मान जो है दिलवा सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके लिए सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा और आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाना होगा। देखिए दोस्तों, आप जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, कामों में आपको जो है चेंजिंग करने की आवश्यकता है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप उसे दूसरे ढंग से करने की कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आज आपको कुछ अच्छे कामों का भी जाना जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आज आप अपने स्वाभिमान के लिए भी जो है लड़ सकती हैं, लेकिन उसे ठेस नहीं पहुंचने देंगे। आकर्षित स्थिति मजबूत होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। राजनीतिक में कार्यरत लोग अपनी जो है शाख चारों ओर फैलाने में कामयाब रहेंगे। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ बड़े प्रयास करेंगे, वह आपके जो है सफल रहेंगे। इसके उपरांत जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को आज कोई भी लेन देन बहुत ही सावधानी से करने होंगे, वरना कोई नुकसान इस समय हो सकता है। आप अपनी पिछली की हुई गलती के लिए थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे, जिसके लिए आपको कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से भी माफी मांगनी पड़ सकती है और आपको संतान पक्ष की ओर कोई निराशजनक समाचार सुनने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने आपा नहीं खोना है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यह समझकर उन्हें माफ करनी होगी। इसके उपरांत अगर रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को आज प्रयास उनके सफल होंगे और उनके एक किसी नई ऊर्जा का संचार होगा। आपको अपने मन में रिश्तों को निभाना होगा, नहीं तो कोई गलती हो सकती है और पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आपको चुपचाप रहना ही बेहतर रहेगा, नहीं तो दोस्तों वह लंबा खींच सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और परिवार में किसी सदस्य की कोई बात आपको जो है बुरी भी लग सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको शांति दिमाग से काम लेना होगा, यही आपके लिए अच्छा रहेगा।